नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं तुला राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। तुला राशि 25 और 26 अक्टूबर 2019 क्या कहते हैं सितारे, यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा 11वें भाव में गोचर करेंगे 25 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक, और 25 अक्टूबर की शाम 5 बजे के बाद से चंद्रमा 12वें भाव में होंगे 26 तारीख को। ये तो था चंद्रमा की स्थिति, और बाकी अन्य ग्रह जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर बैठकर शुभ अशुभ योग बनाते रहेंगे। और अब बात करते हैं राशिफल की। उससे पहले, अगर आपका जन्मदिन है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है या कोई अन्य शुभ पर्व है आज के दिन, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाले निशान के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जुड़ जाइए चैनल के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है आप उसके बारे में भी लिखें, ताकि हम कुछ और सीख सकें, कुछ सुधार चाहिए तो उसके बारे में भी लिखें। कमेंट बॉक्स में अच्छी भाषा में लिखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में लिखें। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकलता है तो जरूर आपको लाभ होना चाहिए। अब बात करते हैं राशिफल की। यह दो दिन बहुत ही मिले जुले रहेंगे। आप 25 तारीख को धन निवेश कर सकते हैं, इसके लिए बस आपको सही और समझदारी भरा निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी हो सकती है तो यही जल्दबाजी गड़बड़ कर देगी। आज के दिन किया गया निवेश भविष्य को एक मजबूत नींव देगा, आपका भविष्य मजबूत रहेगा। आज के दिन निवेश करें, अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन सही जगह पर सोच समझ कर और प्लान करके करें। आपके पास इस समय अंतराल में बहुत मधुर वाणी होगी और इस मधुर वाणी से आप लोगों को अपना बना लेंगे। व्यापार करते हैं तो आनंद आ जाएगा आपको, बहुत अच्छा समय बिताएंगे आप व्यापार में, बहुत सारे ग्राहक आएंगे, बहुत सारी बिक्री आज के समय में हो जाएगी, सभी का दिल जीत लेंगे। नौकरी व्यापार में भी सभी का दिल जीत लेंगे। आपके घर लोगों का आना जाना लगा रहेगा, कब सुबह हुई कब शाम हुई इसका पता नहीं चलेगा। मेहमान आते जाएंगे, उनका स्वागत करते जाएंगे और ऐसे ही इंजॉय करते जाएंगे। 26 तारीख को आपका खर्च बढ़ सकता है। धनतेरस की शाम आपको ध्यान रखना होगा कि फिजूल खर्ची ना करें। आपके छोटे भाई बहन से आपका कोई वाद विवाद हो सकता है या कहासुनी हो सकती है। आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है। अगर दो लोग आपस में समझौता कर लें तो बेहतर रहेगा। लड़ाई झगड़ा ना करें मियां बीवी, प्रेमी प्रेमिका भी लड़ाई झगड़ा ना करें किसी बात को लेकर, एक दूसरे को इरिटेट ना करें। होगा क्या कि आप कुछ चाहते होंगे, आप कुछ चाहते होंगे, दोनों लोग की सहमति नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ी सी बातचीत बढ़ सकती है। मार्केट गए कुछ खरीदने के लिए, पत्नी ने कहा ये लेना है, पति ने कहा नहीं वो लेना है, तो ये और वो के चक्कर में थोड़ी सी बातचीत गर्म हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई वैसे बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसे ही तू में हो सकती है। आपके घर में थोड़ा सा वातावरण तनावपूर्ण रह सकता है। घर में किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपसे, या कोई कहासुनी हो सकती है, या टोका टोकी हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक संभावना ये भी दिखाई पड़ती है कि कोई अशुभ समाचार घर में आ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए घर का माहौल थोड़ा सा तकलीफ भरा हो सकता है और आप लोग थोड़े से मायूस हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही आप लोग रिकवर भी कर लेंगे। सेहत को लेकर आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर तनाव ना करें, जो भी बात है उसको खुलकर एक दूसरे के सामने रखें, परिवार लोगों के सामने। जो भी बात है अपने सीनियर अपने बॉस से करें, अपने मन में ना रखें। अपने सहकर्मियों से बात करना है उनसे बात करें, मन ही मन घुटते ना रहें आज के दिन। अगर कोई कमी है, कोई पेशी है तो उसके लिए आप बात करें, ये नहीं कि चुपचाप घर चले आए, ऐसा मत करिएगा। कुछ दोस्तों से आपका मन मुटाव हो सकता है पैसों को लेकर, हो सकता है आपने किसी को पैसे दिए हो, अब आपको ज़रूरत हो, त्योहारों का टाइम आ रहा है, आप पैसे मांगे, आपको पैसे ना मिले, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं या आपकी दोस्ती में कहासुनी हो सकती है
और आप टेंशन में आ सकते हैं कि अब इस पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से करूँगा, सामने वाले ने तो और वक्त ले लिया कि कुछ दिनों बाद देगा या देगी। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, आज के समय में अपने क्रेडिट कार्ड, अपने जो और डेबिट कार्ड वगैरह होते हैं, किसी दोस्त यार को ना दें। हो सकता है कोई आपसे मांग ले कि शॉपिंग करनी है, ये है वो है, बाद में चुका देंगे, ऐसा है उधार दे दो, ये सब मत करिएगा, क्योंकि इस समय पर आप फंसते हुए नजर आएंगे, बाद में आपके पैसे आपके पास वापस आने में बड़ा तकलीफ होगी, आपको बड़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे। जो आपका दोस्त था, मित्र था, वो अभी तो लाभ उठा ले जाएगा या ले जाएगी, बाद में आपको परेशानी हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिएगा। हम अक्सर क्रेडिट कार्ड वगैरह दोस्त यारों को उधार दे देते हैं कि चलो भाई तुम शॉपिंग कर लो, इसकी पेमेंट तो कुछ दिनों बाद करनी है, हम कर देंगे, फिर मांगते मांगते परेशान हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा इन बातों का भी। और भी बहुत कुछ है वो सब जानेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले निशान के बटन को दबा दें और जुड़ें चैनल के साथ। आप वाहन चलाते हैं तो वाहन बहुत संभल कर चलाएं या बहुत धीरे चलाएं तो बेहतर रहेगा। आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आएंगी जिनको न्योता आपको देगा। वाहन चला रहे हो, लापरवाही रखें, एक्सीडेंट हो जाए, आप वाहन चला रहे हैं, गाड़ी के कागज़ ना रखें, फंस जाएं, ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लें, चालान कट जाए, ऐसे ही बजट बिगड़ेगा, ऐसे ही मूड खराब होगा, किसी से राह चलते कहा सुनी हो गई, झगड़ा पड़ गया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। आपकी ऑफिस में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बेहतरीन है, किसी से किसी बात पर लेकर वाद विवाद कर लिया, पूरे मेहनत पर पानी फेर दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बड़ा बचना होगा और चुपचाप समय को बिताना होगा। कुछ लोग व्यर्थ में आकर आपसे लड़ाई झगड़ा करना पसंद करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे लेकिन वो लोग सामने से आपको लड़ाई में घसीटना चाहेंगे, तो आपको इनसे भी बचना है। नौकरी और कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता के लिए झगड़ों से दूर होना पड़ेगा, जुबान को मीठी रखना पड़ेगा और समझदारी से काम लेना होगा कि कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव होगा, प्रेम संबंधों में भी होगा, शीघ्र दूर भी होगा। प्रेम का रहस्य जानने में आपको वक्त लगेगा। कुछ लोगों का प्रेम अभी नया नया शुरू हुआ होगा, अभी अपने पार्टनर को अच्छे से समझते नहीं हैं, तो समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दूरी हो सकती है, तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आज का दिन बेहतर है लेकिन सावधानी के साथ, बहुत सावधानी, बहुत बेहतर दिन। अगर आप व्यापार या शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। आपकी की गई मेहनत विदेश यात्रा के लिए सफल होती हुई दिखाई पड़ेगी भविष्य में। आप संभल कर जो वक्त बिताएंगे तो बहुत ही बढ़िया लाभ की स्थिति बनी हुई है। कहीं से पैसा मिल सकता है, कहीं से कुछ अचानक से, जैसे मान लो लॉटरी लग गई हो या किसी क्विज में आपका कोई इनाम लग गया हो, ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं, तो इसका भी आपको लाभ उठाने चाहिए। तो समय बेहतर है समझदारी के साथ, समय बेहतर है आंखें खोल कर चलने के साथ, आंखें बंद करके चलेंगे तो ठोकर खा जाएंगे। छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं, खेल कूद में मन लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी वक्त सामान्य से ऊपर है। आपका भाग्य प्रतिशत जो है वो रहने वाला है करीब करीब 62%। शुभ अंक 3 और चमकदार नीला रंग आपके लिए शुभ है। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए जो आपके लिए शुभ होगा, आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें, खरीदें हीरे जवाहरात खरीदें, आपकी जेब अलाउ करती है बिल्कुल खरीदें, इन्वेस्टमेंट्स करें, करें समझदारी से करें। लेकिन जो भी कुछ खरीदें उसमें एक चीज़ जरूर खरीदें और वो चीज़ है एक पीतल की थाली, एक छोटी या बड़ी पीतल की थाली खरीदें। आप चाहें तो उस थाली में भगवान का सामान रखें, भगवान की आरती की थाली बना लें, या उसको घर के यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। पीतल का बर्तन आपको एक प्लेट के रूप में खरीदना चाहिए, थाली के रूप में खरीदना चाहिए, जो आपको बहुत लाभ देगा। सोना चांदी भी खरीद सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी जेब अलाउ करती है, जरूर खरीदें। इसके अलावा हनुमान चालीसा, ओम नमः शिवाय मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आपको करना है, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। इतना कर लीजिए, दिन भी शुभ हो जाएगा, समझदारी से दिन को बिताइए, कोई कष्ट नहीं होगा, वाणी को मीठा रखिए, लड़ाई झगड़ा ना करिए और फालतू के लोगों से कोई रिश्ता मत रखिए, और अपनी दीपावली को आप अच्छा होता हुआ पाएंगे।
तो माँ लक्ष्मी का योग बन रहा है धन योग, वो भी आपको बहुत सहायता करेगा। लेकिन हर सहायता ईश्वर की तरफ से जो आपको मिलनी है वो सावधानी के साथ में मिलनी है, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और कोई गलत हरकत नहीं करनी है। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, और यह दीपावली, ये धनतेरस, सारे त्यौहार आपके लिए बढ़िया जाएं, आप खूब धन कमाएं, खूब पैसा कमाएं, भगवान कुबेर की कृपा आपके ऊपर पड़े, भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य का आशीर्वाद दें कि आपकी सेहत दुरुस्त हो जाए, जो भी बड़े से बड़ा रोग है आपके शरीर में वो समाप्त हो जाए, और जो लोग किसी रोग से लड़ रहे हैं वो धन्वंतरी भगवान की पूजा जरूर करें, उनके अंदर ताकत देंगे भगवान और निरोगी जल्द बनाएंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। हरिओम, नमस्कार।